नमस्ते, जुलाई 2024 एक्वेरियस लग्न कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो वक्त का आप इंतजार कर रहे थे बहुत समय से, वक्त आ चुका है। ये महीना आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आने वाला है। ये महीने का मैं लगभग अप्रोक्सीमेटली इस महीने को दो हिस्से में बांट सकता हूँ। जो 12 जुलाई तक का समय है, ये घर खुशियों से भरा रहेगा। घर में गेस्ट आएंगे, कोई गया घर प्लान कर रहे हैं तो नया घर भी प्लान हो जाएगा, परचेस ए हाउस और प्लान फॉर ए ओल्ड एज, आपका ओल्ड एज का प्लान भी होगा और खुशियों से घर भर जाएगा आपका। बढ़िया टाइम है, टेक द एडवांटेज। अब 13 जुलाई से 30 जुलाई तक का जो टाइम है, ये आपके बच्चे के लिए कुछ खुशियां लेकर आने वाला है। प्लान आप हो सकता है आप कोई नया लर्निंग करने वाला प्लान, अगर आप फॉरेन लैंड पे, ज्यादातर मैं देखता हूँ जो फॉरेन लैंड पे वो लोग लर्निंग करते हैं, ज्यादातर नया नया सीखते हैं, तो ये फॉरेन लैंड पे है और एक्वेरियस लग्न है आपका, तो कुछ नया सीखेंगे आप 13 जुलाई से 30 जुलाई में। किसी को प्यार करते हैं, बड़ा लविंग टाइम है, बड़ा मोहब्बत वाला टाइम है, तो प्रपोज करने के लिए भी बेस्ट है। और ये वक्त 13 तारीख से 30 तारीख तक आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, 30 तक में सारे काम। किसी को प्यार करते हैं उनके साथ शेयर करिएगा, अपने बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिएगा, और बेस्ट टाइम है टू लर्न समथिंग एंड टू लव समवन। ये है अबाउट आइडिया। अब कोशिश ये करिएगा, 31 जुलाई से कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, तो 31 जुलाई के पहले कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, वो भी क्लियर होगा अभी। बेसिकली कुछ कोशिशें ये करिएगा कि 31 तारीख तक सब कुछ अच्छा हो जाए आपका, ये कोशिश करिएगा। दूसरी बात, देखिए, आपने बोला कि आप सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा है, तो नेगेटिव क्या है? सप्तम में 6 में जा रहा है आपका 16 जुलाई से बाद में, यानी कि ये आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए छोटा मोटा इश्यू ला सकता है। उसके साथ झगड़ा ना हो इसके लिए सूर्य को जल देते रहिएगा, क्योंकि सप्तमेश अभी 6 में आएगा 16 जुलाई से, तो ये एक माइनस पॉइंट है। सूर्य को जल देते रहिएगा, बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए इस महीने में मैं सब मानता हूं कि गुड टाइम है प्रमोशन के लिए, नया जॉब मिलने के लिए। जो अगर जॉब आप एग्जिस्टिंग जॉब से तंग आ चुके हैं, तो इस जॉब पर जंप मारने के लिए भी एक अच्छा टाइम, और उसमें गुड टाइम है 3rd to 7th जुलाई, बेस्ट है। आपकी अथॉरिटी अगर एग्जिस्टिंग है तो भी ये तारीख में बढ़ेगी 3rd to 7th में, और 17 से 21 में आपको जो काम में डिस्टर्ब हो रहा है उसमें से आप राह निकालने की कोशिश करेंगे। 17 से 21 भी अच्छा टाइम, जॉब वार जॉबलेस उनके लिए भी और एग्जिस्टिंग जॉब है उनके लिए भी। देखिए, गुरु अभी एस्पेक्ट कर रहा है कर्मस्थान को, जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट टाइम है नया जॉब मिलने के लिए। अगर ये मई 25 तक अगर आपको जॉब नहीं मिलता, तो ये समझिएगा कि बहुत बड़ी तकलीफ में अभी आप चलेंगे, मिल ही जाना चाहिए, बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं आप। जॉब में 13 से 16 जुलाई थोड़ा इसलिए केयरफुल रहना है कि झगड़ा ना हो आपका, आप जो काम नहीं कर सकते वो प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा 13 से 16 जुलाई, बराबर याद रखिएगा। यहां हो सकता है काम के लिए आपको दूर जाना पड़े, अकेला रहना पड़े, 13 से 16 जुलाई थोड़ा स्ट्रेसफुल है आपके लिए, काम धंधे के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बिजनेस के लिए यस, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, शनि भी देख रहा है, मतलब कोई बहुत बड़े एम्पायर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत बढ़ेगा। अभी शनि कर्मस्थान को देख रहा है, वर्क सिंसियरली, सिंसियर वर्क करोगे तो ये मैं समझता हूं 8 जुलाई से 8 अगस्त और 8 सितंबर, यानी कि 2 महीने में आपका प्रमोशन पक्का है। प्रमोशन का खबर आप 100% कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे कि आपने बोला ऐसा हुआ, मैं ऐसा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके काम धंधे के लिए। बिजनेस के लिए यस, बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। कोई अगर माइंड में है, देखिए ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को, कर्मस्थान में वृश्चिक राशि है, पेट्रोकेमिकल है, पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल और सेवा से जुड़ा हुआ काम, जमीन में से निकलता है वो चीजों से काम, और बिल्डर के पास यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई रिलेटेड काम हो, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो कंस्ट्रक्शन साइट से काम, भाइयों के साथ काम, बिकॉज यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 3rd and 10th इज अ कॉमन, तो भाइयों के साथ के काम बहुत, कोई सोचता है अगर आपको भाई या पड़ोसी के साथ का बिजनेस तो गो अहेड। हेल्थ के लिए आपको 7 और 8 जुलाई केयरफुल रहना है, ये ठंडी का सीजन है, मतलब बारिश का सीजन है,
आइसक्रीम वाइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा 7 और 8 जुलाई को, बराबर याद रखिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है आफ्टर 12 जुलाई। मैंने बोला ऐसा नया कोर्स लर्न करने के लिए आप 12 जुलाई से 30 जुलाई में, अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो ये आप अनुभव करेंगे, और अगर इंडिया में है तो आप कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, भले चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप ये बात मार्क कर लीजिएगा। 30 जुलाई तक स्टूडेंट के लिए पूरा पूरा कोशिश करना है स्टूडेंट को, बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। 12 जुलाई से टाइम पास नहीं करिएगा, 30 जुलाई तक पूरी मेहनत से काम करिएगा स्टूडेंट है तो। प्यार करते हैं उनके लिए 6 जुलाई इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके लव हाउस में चंद्र और शुक्र का युति हुआ है 6 जुलाई को, रात को 10 बजे का टाइम है वो। सो 6 जुलाई इज द बेस्ट टू प्रपोज समवन, बड़ा मोहब्बत वाला समय है आपके लिए। 12 जुलाई के बाद यानी कि 13 जुलाई से 30 जुलाई तक बेस्ट टाइम है उस समय में। अब यह तो 6 जुलाई रोमांटिक दिन साबित होगा, विवाह के लिए आई विल से नो। अभी विवाह के लिए आपको रुकना है, मैं समझता हूं 20 अगस्त से वो टाइम शुरू होगा, अभी रुक जाइएगा। शेयर मार्केट के लिए टू लर्न समथिंग इज द 5th जुलाई। 5 जुलाई आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, सबक सिखाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ लर्न करेंगे आप 5 जुलाई को। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 9, 10 and 11 जुलाई विल बी द बेस्ट, आप उस वक्त में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे उसको 9, 10 and 11 को। एंड मार्केट से कुछ आपका स्टॉक बेचना हो तो 29, 30, 31 30 and 31 जुलाई को आप शेयर बेचेंगे, जिसमें आपको फायदा आप बुक करेंगे। और फाइनेंशियली इस महीने का बेस्ट दिन है 29, 30 and 31। इस दिन लोग बोलते हैं पैसे का बारिश होगा, अच्छा खासा पैसा हाथ में आ सकता है। किसी को उधार दिया हो, वापस मांगना हो तो बेस्ट है। आपको किसी से ऐसे ही मांगना हो, आपको पता है कि मांगने से मिल जाए तो आपका काम हो जाए, तो थोड़ा इंतजार करिएगा, 29, 30 और 31 जुलाई को मांग के देखिएगा, आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। अब देखें ये केयरफुल रहने की तारीख है, इसको कैलेंडर पे मार्क करें। ये थोड़ा मानसिक तनाव का दिन है, अभी इसका उपाय है शिव मंदिर में जाओ, भगवान शिव को जलाभिषेक करो 7, 8 जुलाई। ये मैंने बोला पहले ही हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा अवॉइड करना है। 12, 13 जुलाई थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, 12, 13 जुलाई विल बी स्ट्रेसफुल, एंड 21 and 22 जुलाई विल बी एन एक्सपेंसिव, ये खर्च होगा। अब देखें इसमें आपके इस महीने में चतुर्मास प्रारंभ होगा 17 जुलाई से, ये 12 नवंबर 2024 तक रहेगा। चतुर्मास में हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, ये किसानों का देश है, एग्रीकल्चर कंट्री, तो हम सब कार्य रुका देते हैं और हम विवाह तक नहीं लेते हैं। 17 जुलाई से 12 नवंबर तक कोई भी इंडियन पंचांग में विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे, चतुर्मास है इसके लिए। और इसमें यही लॉजिक है कि जहां भी जो भी इवन जो साधु है संसार, जो लोग संन्यास्त है, वो लोग भी रुक जाते हैं 4 महीना बारिश की वजह से, कि कहीं भी मौसम बदलता है ज्यादा तकलीफ ना हो, वो चतुर्मास रुकने के लिए है उनके लिए भी। ये 17 जुलाई से प्रारंभ होगा 12 नवंबर तक। अब देखें कि इस महीने में एक बहुत अच्छी चीज है, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, से थैंक्स टू योर गुरु, अगर आपके कोई गुरु है तो उसको जरूर थैंक्स करिएगा, जिससे आप कुछ सीखते हैं उसको थैंक्स करिएगा। और समझो अगर आप बोलेंगे मेरे को कोई गुरु है ही नहीं, तो कोई गुरु के मंदिर में जरूर जाइएगा। बिना कुछ बोले थैंक्स करने का जो तरीका है, वो हम इंडियन लोगों के पास, हिंदू लोगों के पास सबसे अच्छा तरीका है। हम हमारा सबसे ऊंचा प्लेस है सर, वो हम गुरु के पैर में झुकाते हैं, वो एक तरीका है गुरु के पैर में, ईश्वर के पैर में, ईश्वर के पास झुकाते हैं, वो यही तरीका है कि हमारा सबसे ऊंचा प्लेस आपके नीचे, सबसे नीचे प्लेस के साथ कंपैरिजन करने की बात है। तो ये तरीका सिर्फ हमारे पास है, 21 जुलाई को गुरु को थैंक्स करने का दिन है। यथाशक्ति गुरु दक्षिणा दीजिएगा 21 जुलाई को अपने गुरु को। इस महीने में प्रदोष है 3 जुलाई और 19 जुलाई को। ये शिव उपासना करते हैं उनके लिए अच्छा है। आपके नौकरी धंधे में आप फेस करते हैं प्रॉब्लम, नौकरी में पर्टिकुलरली जॉब में आपको ऐसा लगता है कि बार बार, कभी कभी काम होता तो बहुत होता है, कभी कभी काम ही नहीं होता, ऐसा होता है, तो जरूर जाइएगा शिव मंदिर में 3rd जुलाई and 19 जुलाई को, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा, 100% लाभदायी रहेगा 3rd जुलाई and 19 जुलाई। और इस दिन में शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम रीड करिएगा या तो सुनिएगा 3rd जुलाई and 19 जुलाई को। आपके काम धंधे में और चैलेंज है, देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस मैंने बताया आपका ज्यादातर मैंने बिजनेस में देखा है कि चैलेंजेस यहाँ स्कॉर्पियो राशि है कर्मस्थान में, तो आपके जीवन में काम धंधे में ज्यादा मेहनत होता है,
चतुर्थी है, देखिए 9 जुलाई और 24 जुलाई को संकष्टी है, 24 जुलाई को। इस दिन में गणेश मंदिर में जाइएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा, आपके काम धंधे में आप ज्यादा अपमानित होते हैं, तो ये जरूर करिएगा, गणेश मंदिर में जाइएगा, आपका अपमान का जो सिलसिला है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपको हमेशा अपने काम धंधे में दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय द सैटर्न, सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, सिंसियरली काम करना पड़ता है, थोड़ा सा भी गलत किया तो आपको दंड मिलता है, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय द सैटर्न। सो ये जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में, 9 जुलाई एंड 24 जुलाई को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और अगर गणेश मंदिर में नहीं जाते, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो भी चलेगा, लड्डू का भोग लगाइएगा या गुड़ गाय को खिलाइएगा, आपको 100% लाभ होगा। इस महीने में 7 जुलाई को रथ यात्रा है, ये जगन्नाथ पुरी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, रथ यात्रा 7 जुलाई। इस महीने में 5 जुलाई को अमावस है, 5 जुलाई को अमावस है, अमावस के दिन देखिए अभी तो ट्रांजिट का राहु तो आपके सेकंड हाउस से जा रहा है, आप कुछ बोलते हैं और घर में कंट्रोवर्सी हो जाती, दैट इज बिकॉज ऑफ राहु इन द सेकंड हाउस, आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों से भी आपको इनसेटिस्फेक्शन होगा, आठवां केतु है, असंतोष होगा, उनका बोला हुआ चीज, आपका उनके साथ विवाद हो सकता है, आपने पर्टिकुलरली आपका हस्बैंड या वाइफ बहुत डोमिनेशन है और उसके हेल्थ के लिए मैंने आपको केयरफुल रहने बोला है 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, और अगर उसके लिए आप चाहते हैं कि उसका कोई उपाय रेमेडीज तो जल दीजिएगा सूर्य को, ये आपको 16 जुलाई से 16 अगस्त नहीं 16 सितंबर तक करिएगा, क्योंकि सूर्य बाद में सप्तम से जाएगा। मैं तो समझता हूं हमेशा सूर्य को जल देते ही रहिएगा, आपके सप्तम स्थान का स्वामी है और शनि सूर्य का अपोजिशन भी होगा, इसके लिए आपके लिए अभी तो 6वें स्थान का सूर्य है 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, बट सूर्य को जल देते रहिएगा। अभी ये केयरफुल रहने की तारीख को मार्क करिएगा, ये चंद्र गुरु गज केसरी योग की डेट है, इसको बराबर देखिएगा, ये दिन मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है, आपका काम अगर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, मैंने बोला ऐसा बिल्डर के पास मैंने बहुत देखे हैं, बिल्डर के पास या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए मैंने बहुत एक्वेरियस लोगों को देखा है, इन लोगों का जगह से कनेक्शन में यानी कि जगह लिया, डेवलप किया, बेच दिया, और दूसरे प्लेनेट का भी इफेक्ट देखा जाता है, कर्मस्थान का स्वामी मंगल नवमांश में कौन सी राशि में ये भी देखना पड़ेगा, और वो नक्षत्र कौन सा है मंगल का ये भी जरूर देखना पड़ेगा, बट काम धंधे में अपमानित बहुत बार होना पड़ता है कैंसर आप एक्वेरियस को, इसके लिए मैंने गणेश पूजन करने के लिए बोला, बराबर याद रखिएगा, ये चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का तारीख है, ये आकर्षण योग देता है, यानी कि चंद्र और शुक्र, चंद्र मने भावनाएं, शुक्र मने सुंदर चीज, तो ये सुंदर चीज और भावनाएं एक अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन खड़ा करते हैं। मैंने इस महीने में 6 जुलाई आपको बोला है, बड़ा लविंग टाइम है ये 6 जुलाई दिया है, और 22 जुलाई भी ऐसा ही टाइम है, बट 22 जुलाई आपके 12वें और 6वें स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हो रहा है, 6th एंड 12th हाउस में मकर और कर्क का अपोजिशन है, जो आपके लिए एक्सपेंसिव साबित हो सकता है 22 जुलाई, इसके लिए यहां है मैंने लिखा है इसको केयरफुल तारीख में लिखा है, पैसा वापरने का हो सकता है, कोई आनंद भी हो, व्हीकल हो तो केयरफुल रहना चाहिए 21 और 22 को, शायद वो व्हीकल आपको छोटा मोटा ट्रबल दे सकता है, तो ये अबाउट समझ लीजिएगा कि देखिए ये महीना बहुत खुशियां लेके आने वाला है, आपका संतान अगर आप उम्र में बड़े हैं तो वो बहुत अच्छी तरक्की करेगा इस महीने में, आपको दिखाई भी देगा इस महीने में, 13 जुलाई से 30 जुलाई में वो कोई मेडल भी लाके दे सकता है अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ता होगा तो, और अगर वो बड़ा है तो ये कुछ ना कुछ आपको वो करके दिखाने वाला है इस महीने में, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, और आपका स्पाउस पर्टिकुलरली आपका पति या पत्नी के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, मतलब काफी इंतजार के बाद एक अच्छा महीना एक्वेरियस के लिए आया है। डेफिनेटली बहुत सारी कंप्लेन शिकायत है, देखिए नया घर भी हो सकता है अगर आप बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, कोशिश करिएगा 28 जून से 12 जुलाई तक आपका वो घर का प्लान हो जाए, एटलीस्ट आप टोकन दे दीजिएगा काम हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत खुशियों से घर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने जो आपको बोला है सूर्य का पूजा करने को ये करिएगा, अमावस्या के दिन 5 जुलाई के दिन विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में राहु आया है, और विष्णु सहस्रनाम होने के बाद एटलीस्ट 250 ग्राम टी पैकेट हो सके तो सोसाइटी के स्वीपर को दे दीजिएगा, सोसाइटी का स्वीपर यानी कि अगेन समझिएगा वो नशे की चीज है और राहु है सेकेंड हाउस का, इसके लिए वो टी पैकेट बोला मैंने, टी पैकेट जरूर दे दीजिएगा। ये है लेखा जोखा आपका
खुशियों से भरा हुआ महीना एंजॉय करिएगा, और इफ यू फाइंड दैट वे तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।